पूरा दशम स्कंध में आनंद रूपता छाई भई है, और जो दशम स्कंध को पहला अध्याय है वहां में आनंद जनकता है। सो यातरस दोनों रूप में आनंद शब्द वापरो जा सके। इनसु पहले जो टीकाकरण को अपन ने देखे वहां में भी अपन ने ये बात देखी, कहीं आनंद रूप के अर्थ में आनंद कहो, कहीं आनंद यतीति आनंद कहो, कहीं आसमंतात नंद आयाति अस्मादिति आनंद ऐसा भी कहो कि इनके कारण नंद पधारी आवे है अपने घर में। तो अनेक रूप से आनंद शब्द के भाव अपन ने विचारे। वहां में जो द्वारकेश जी ने आनंद रूपता और आनंद जनकता ये जो दो बातें समझाई, वहां में कल मैंने आपको तैतरीय उपनिषद के आधार पर ये बात बताई के ब्रह्म बाहर है। वो कोरियोग्राफी की जो बात मैंने आपको समझाई थी कि ब्रह्म बाहर है, आत्मा भीतर है। सो वो बाहर को ब्रह्म अपने को आत्मतया अनुभूत होना चाहिए, और जो अपना आत्मा है वो ब्रह्म के अंशतया अनुभूत होना चाहिए। इन दोनों बातन को जा वक्त मेल मिले है, मतलब बाहर जो ब्रह्म की विद्यमानता है वह को अपन भीतर अनुभव करें, और भीतर जो ब्रह्म की विद्यमानता है आत्मा के रूप से वह को अपन बाहर अनुभव करें। तो जैसे कोई चीज को सफाई करनी होए तो अपन यूं करें कि नहीं, ऐसे अपना मन अपना अंतकरण बाकी ब्रह्म ब्रह्मानंद और आत्मानंद दोनों से सफाई हो जाए तो फिर शने शने वा में भजनानंद प्रकट होने की परिस्थिति प्रकट होए। जो केवल ब्रह्मानंद पर टिक जाए वो ज्ञानी हो जाएगो, अक्षर में लीन हो जाएगो। जो केवल आत्मानंद पर टिक जाए वो मुक्त हो जाएगो। अनेक प्रकार की मुक्ति आत्मानंद के आधार पर बताई गई है, पर जहां आत्मानंद को ब्रह्मानंद को अंश मान के और आत्मा में ब्रह्मानंद अनुभव किया जाए और ब्रह्म में आत्मानंद खोजा जाए, ये प्रक्रिया उपनिषद की भागवत ने बहुत भार के साथ समझानी चाहिए। जब मैंने कल आपको श्लोक बताया तो अहम आत्मात्मनाम धात पृष्ठ सन प्रेयसाम अपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादिर यत् कृते प्रिय। मैं तुम्हारी आत्मा की भी आत्मा हूं, सब कुछ जो तुमको प्रिय है वो तुम्हारी आत्मा के कारण तुमको प्रिय लगतो है। और वो आत्मा जाके कारण प्रिय लगे है तुमको वो मैं हूं, यूं भगवान के हैं। और एक बात ध्यान से समझो कि ये जो उपदेश प्रभु ने दियो है ये भागवत को सबसे पहलो उपदेश है। कई लेवल पे भागवत को उपदेश भयो है, और उनमें से जो सबसे पहलो जो बीज रूप उपदेश है वो ये उपदेश है। सो यदि सारे भागवत की अपने को संगति समझनी है तो इन श्लोकन को भूल के अपन संगति समझना चाहेंगे तो हाथ में कुछ भी पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सूत्र है, और या सूत्र को अपन नहीं समझे
फिर अपन को भाष्य भी समझ में नहीं आएगा। या लिए अहम आत्मात्मनाम धात, मैं आत्मा को आत्मा हूं, प्रेष्ठस्सन प्रेयसाम अपि, जो भी कुछ प्रेष्ठ है प्रियतम है वा में भी मैं प्रियतमसु भी मैं प्रियतर हूं, अतो मई रतिं कुर्या देहादिर यत कृते प्रिय। सो ये जो बात है ध्यान से समझो कि ब्रह्मानंद के अंतर्गत अपने को आत्मा को स्वीकारना है, अपनी आत्मा को इतनो बड़ो बखेड़ा नहीं खड़ो करना है कि अपन ब्रह्म को भूल जाएं। और ब्रह्म सचमुच में ब्रह्म है, जैसे मैंने आपको कल बताया देश काल वस्तु की सीमांश परे है, पर वो अपने आत्मा के तया भीतर प्रकट हो सके। सो मैथमेटिकली यह बात को अपने को समझनी हो क्लियरली, तो अपन यो समझ सकें कि जब अपन अपने आत्मानंद को ब्रह्मानंद के अंश के तरीके समझना शुरू करेंगे तो अपने को वो ब्रह्मानंद अपने भीतर भी अनुभूत होएगो। क्यों? कि देहादिर यत कृते प्रिय, तो वो ब्रह्मानंद जा वक्त अपने को भीतर अनुभूत शुरू होएगो, तब अपने को ये नहीं लगेगा कि ब्रह्म सिर्फ बाहरी कोई हकीकत है, ब्रह्म अपनी अंतरतम की एक हकीकत है। और वह ब्रह्म को अपन परायो मान के नहीं फिर भजेंगे, परायो मान के नहीं जानेंगे, वह ब्रह्म को अपन अपनो आत्मा मान के जा वक्त भजेंगे जानेंगे, या जो भी कोई संबंध वासु निभानो है ज्ञान कर्म भक्ति के, वहां में कोई सवाल नहीं है, योग के सांख्य के जैसे भी निभाने हुए वो सारे अल्टरनेटिव पॉसिबल हैं। पर ये वो जो पहुंचने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अपने अहंता ममता के कारण अपने को ब्रह्मानंद और आत्मानंद के बीच में जैसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वैसी ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है, एक तरह को एक ओपेक कर्टन आ गया है अहंता ममता को। वो जो मैंने आपको दो तीन दिन पहले बात बताई कि गर पर्दा बर उफ्ताद न तु मानियो न मन, तो वह न्याय सु वो जो ओपेसिटी आ गई है वो कैसे दूर हो सके, तो वह को सीधो उपाय ये है कि बाहर ब्रह्मा ब्रह्म को स्वीकारो। वो ब्रह्म को कैसे रूप से स्वीकारना वो उपनिषद ने बताया, वो मैंने आपको बताया कि ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बाहर जो विद्यमान ब्रह्म है वो सत्य रूप है, वो ज्ञान रूप है, वो अनंत रूप है। और योवेद निहितं गुहायाम, वा ब्रह्म को जो बाहर सत्य ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म है वाकु अपने हृदय गुहा में भी वो है, वो सिर्फ बाहरी हकीकत ही है ऐसे बात नहीं, पर अपने भीतर की भी एक हकीकत है। या तरह से जो समझ पावे है सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वाकु विपश्चित ब्रह्म के साथ, विपश्चित ब्रह्म को मतलब अब अपन पुरुषोत्तम समझ सकें कि वाकु पुरुषोत्तम की अनुभूति हो सके है, और वह पुरुषोत्तम की अनुभूति में वाकु अपने जो भी काम हैं वाकु फिर विषयंसु पूर्ण करने की गरज नहीं रह जाए, ब्रह्मसु ही वाकिक सारे काम संतुष्ट परितुष्ट हो सके हैं। तो ये जो एक प्रकार है तो वाके लिए समझाने के लिए या बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उपनिषद ने अपने को कही कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशस्संभूत, ये ब्रह्मसु ये आत्मासु ये आकाश पैदा भयो। देखो कैसे बाहर से भीतर जा रही थी बात, कल भी मैंने बताई थी, फिर आपको बात समझा रहे हूं। या लिए कि ये आनंद रूपता और आनंद जनकता को पहलू अपने को साफ सुथरे तौर पे समझ में आना चाहिए, तो वो ये ब्रह्म को अपन पहले ये बात कबूल करी गई कि वो ब्रह्म को अपने हृदय में जानो, जब हृदय में जानोगे तो वो ब्रह्म फिर आपको आत्मा लगेगा। अच्छा वो ये ब्रह्म तो आत्मा है, आत्मा मतलब मेरे आत्मा को भी आत्मा है, और या आत्मा में सु ये सारो आकाश पैदा भयो है,
या आकाश में सुवायु पैदा भई, वायु सु अग्नि पैदा भई, अग्नि सु जल पैदा भयो, जल सु पृथ्वी पैदा भई, पृथ्वी सु जो है वो औषधि पैदा भई, औषधि सु अन्न पैदा भयो, और अन्न सु ये शरीर पैदा भयो। तस्म ये जो है वो शरीर जो है वो अन्न रसमय है। या तरह सु एक बखत देखो अपन ने वह ब्रह्म को बाहर देखो, सत्यं ज्ञानम अनंतम करके वह ब्रह्म को फिर आत्मा के रूप में भीतर देखो। ये जो पहुंचने की जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो वह पहुंचने की प्रोसेस में आत्मा के रूप में भीतर देखो, जो आत्मा के रूप में भीतर विराजमान है वासु, ये बाहर को आकाश पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उत्पन्न भये हैं, और वह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में सो अपना शरीर उत्पन्न भयो है। वह शरीर में भीतर उपनिषद क्या है कैसो देखो, अब अंदर की यात्रा करो पाची, या अन्नमय शरीर के कोष के भीतर जो है वो प्राणमय है, प्राणमय के भीतर मनोमय कोष है, मनोमय के भीतर विज्ञानमय कोष है, और वह विज्ञानमय कोष के भीतर एक आनंदमय परमात्मा विराजमान है। आनंद तो वो जो आनंद है वह बखत वा की आनंद रूपता अपने को, जब जो बाहर विद्यमान है वही भीतर विद्यमान है, ये बात समझ में आएगी तो वाकी आनंद रूपता समझ में आएगी अपने को, वरना तो आनंद रूपता नहीं समझ में आएगी। जो उपनिषद ने ये बात समझाई, कोई हेवान्यात कब प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात, ये जो तुम्हारे भीतर भरो आनंद है यदि बाहर नहीं हो तो बाहर की सांस लेने को भीतर लेने की भी तुमको गरज क्यों पड़ती। तो ये देखो बाहर को भीतर, जो भीतर है वाकू फिर से बाहर, या तरीके की प्रोसेसिंग एक चल रही है। वह प्रोसेसिंग में जो अपने मन वाणी बुद्धि देहेंद्री क्रियाकलाप को जो प्रोसेस में या डाले है, वाकु जो है वो ब्रह्म कैसे आनंद रूप है और ब्रह्म कैसे आनंद जनक है, ये बात समझ में आएगी। तो ये बात ध्यान से समझो कि आनंद रूपता को मतलब जब तक अपन अपने भीतर नहीं अनुभव है तब तक आनंद रूपता समझ में नहीं आएगी, ब्रह्मता समझ में आ सके। और जो अपन आनंद अनुभव कर रहे हैं वो ही जो है वासु ही तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूत, ये जब अपने को नहीं समझ में आएगा तब तक वह आनंद की ब्रह्म रूपता समझ में नहीं आएगी। सो जो श्रुति ने यह कही कि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, वो या अर्थ में कही, क्योंकि जा वक्त ब्रह्म को स्वरूप लक्षण दियो वह वक्त श्रुति ने यह बात नहीं कही। यह बात ध्यान से समझियो, वह वक्त ब्रह्म को श्रुति ने यह कही सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वह वक्त वह ब्रह्म को जा वक्त भीतर अनुभव करने की बातें समझानी शुरू करी, तब जाके श्रुति ने अपने को ये रहस्य खुलासा से समझायो कि अच्छा जा वक्त तुम वह ब्रह्म को भीतर अनुभव कर रहे हो, वह वक्त वो ब्रह्म को जो आनंद है वो तुम्हारे लिए आनंद बन जाएगा। ये बताई नहीं समझ में आपको, वो जो ब्रह्म की अनंतता है वाकु जब तुम अंदर अनुभव करोगे तब वो आनंद रूप बन जाएगा, और ये जो आनंद है ये वह ब्रह्म सु पैदा प्रकट भयो आनंद है, ये तुमको तब समझ में आएगा कि जब वह ब्रह्म को ही तुम भीतर भी प्रकट अनुभव करोगे। या अर्थ में ब्रह्म आनंद रूप भी है और आनंद जनक भी है। तो ये एक तैतरीय उपनिषद की ही बात नहीं है, ऐसे अपन सर्वे करें बहुत सारे छांदोग्य उपनिषद में जो भूमा प्रकरण है वहां में तीन चार वक्त या को या तरह से प्रोसेस करके बताया है उपनिषद ने, बहुत खूबसूरत भूमा विद्या जाकू कहें, या मैं तो दो तीन स्टेप में ही बताया हो पर भूमा विद्या में या को और बहुत बड़े स्केल पे उपनिषद ने या को समझाया है। तत्वमसी को जो विद्या है वहां में भी श्रुति ने यही बात अपने को समझाई है कि ऐतदात्म्य इदम सर्वम स आत्मा तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी श्वेतकेतो। तो ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, सब कुछ एतदात्मक है, स आत्मा देखो सब कुछ एतदात्मक है, स आत्मा ब्रह्मा गयो, तत् सत्यम वो सत्य है, तत्वमसि वो तू है, ये भीतर बाहर बाहर भीतर निरंतर वाकु अनुभव करने के जो स्टेप्स हैं वो समझाए जा रहे हैं।
और यात्रेसु भीतर बाहर दोनों जो अनुभव करे है वाकु ये बात समझ में आ सके कि कैसे वो आनंद रूप भी है और कैसे आनंद जनक भी है, आनंद को पैदा भी प्रकट भी करे है और स्वयं भी आनंद रूप है। मतलब एक बात ध्यान से समझो कि ब्रह्म को जो आनंद गुण है वाके लिए अपने यहां भी और प्रायः सभी वेदांति ने ये बात स्वीकारी कि ब्रह्म जो है वो आनंद है और आनंद ब्रह्म को असाधारण गुण है, डेफिनेटली असाधारण गुण है। पर वो असाधारण गुण ब्रह्म आपसु शेयर भी कर सके है, कोई को जो असाधारण गुण हो वो कोई दूसरे से शेयर नहीं करे। जैसे मेरी आकृति, मेरी आकृति है, वो मेरी आकृति में दूसरे कोई मनुष्य की सु शेयर नहीं करूंगा। जो मनुष्य की रूप में मेरी सामान्य आकृति है कि भाई एक माथा है, एक हाथ है, एक धड़ है, एक पैर है, वो मैं सबसे शेयर करूं, वो दूसरों जितने भी मनुष्य है उनको ऐसा ही होएगो। पर वा आकृति के तहत जो मेरी कोई आकृति की विशेषता है वो तो मेरी आकृति की विशेषता है, वो दूसरे मनुष्य की आकृति की विशेषता नहीं है। तो जो असाधारण, जो साधारण गुण है मनुष्य आकृति की, वो तो मैं सबसे शेयर कर रहे हूं, पर जो मेरी व्यक्ति की आकृति है वो मैं कोई से शेयर नहीं करूं, वो तो मेरी एकदम इंडिविजुअल मेरी ही कैरेक्टरिस्टिक है। ब्रह्म के साथ ये खासियत है पाछी कि वो ब्रह्म की असाधारण गुण सत्य ज्ञान और अनंत, अथवा सत्य ज्ञान और आनंद, अथवा सच्चित और आनंद, जिन शब्दन में वाकु कहनो होए उन शब्दन में कहो, वो गुण ब्रह्म के असाधारण गुण होते भय भी वो आपसु शेयर करने लग जाए है। शर्त वाकी एक ही है कि यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन। एक बखत वाकु अपने हृदय गुहा में विराजमान समझो और अपने आप को वामे विद्यमान हूं ऐसे समझो, तुम वामे विद्यमान हो अपने आप को ऐसे समझो, वो तुम्हारे में विद्यमान है ऐसे जा वक्त तुमने समझना शुरू कियो, फिर धीरे धीरे वो अपने जितने भी असाधारण गुण हैं वो आपसु शेयर करने लग जाए। और वो शेयर करने लग जाए वाको सीधा सो प्रमाण ये बतायो गयो कि सत्य सिर्फ वो ही नहीं है, सत्य आप भी हो, सात्मा तत् सत्यम तत्त्वमसि, वो तू भी है, वो तू भी है। आप शेयर कर सको वागुण को, पर शर्त वाकी ये है कि वाकु अपने भीतर वा ब्रह्म को अपने भीतर और अपने आप को वा ब्रह्म के भीतर अनुभव करना पड़ेगा। मत स्थानी सर्वभूतानि, ये आपको अनुभव करना पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशेर जिन तिष्ठति, ये आपको अनुभव करना पड़ेगा। माने एक बात समझो, शुरुआत के तौर पे अपन बुद्धि से या कुछ स्वीकारेंगे, फिर जो भी कुछ अपने क्रियाकलाप होंगे वा में वा तरह से इंप्लीमेंट करेंगे अल्टीमेटली, अथवा हृदय से अपन फिर वा में वा तरह को भाव स्थापित करेंगे और भाव स्थापित करके वा तरह से अपन बरतना भी शुरू करेंगे। ये कोई एक झटका में कोई काम होना नहीं है, पर या को एहसास, बौद्धिक एहसास और जो है वो अपनो हार्दिक एहसास और अपनो व्यावहारिक एहसास या को कभी न कभी जीवन में चरितार्थ घटित होना चाहिए। ये जब घटित होने लग जाए तब उपनिषद ये समझावे कि बस सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, तब आपको भजनानंद को अनुभव होने लग जाएगो, पर ब्रह्म को अनुभव होने लग जाएगो, तब पुरुषोत्तम आपको प्रकट हो जाएगो। इन दो में से कहीं अटक गए आप तो फिर पुरुषोत्तम को अनुभव नहीं हो सके, क्योंकि पुरुषोत्तमता क्या है वो बात ध्यान से समझ जाओ तो सारी बात समझ में आ जाए। यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, क्षरसु मैं अतीत हूँ, अक्षरसु उत्तम हूँ, पर वो अक्षर मेरो धाम है। ये जितनो क्षर जो जगत है, मने भूमि रापो नलो वायु खन्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्ट धा, वो मेरी प्रकृति है और तुम अप्रकृतिस्थ हो, मैं तो प्रकृतिस्थ हूं, तुम अप्रकृतिस्थ हो गए हो, मैं अप्रकृतिस्थ नहीं हूं, मैं तो सर्वत्र विद्यमान हूं, मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, अपनी प्रकृति में विराजमान हूं,
तो बस ये बात जब तुम समझ जाओगे तब फिर धीरे धीरे तुमको पुरुषोत्तम को प्राकट्य होगा। ये बात नहीं समझे तो पुरुषोत्तम प्रकट नहीं हो सके, क्योंकि पुरुषोत्तम होने के लायक जो तैयारी होनी चाहिए अपने यहाँ की सेवा की, या कुछ भाषा में अपन कहें तो भाई पहले एक सिंहासन पधराओ तब ठाकुर जी पधराए जा सकेंगे। ये समझनो सिंहासन पधरानो है, और जब अपन ने सिंहासन पधरा लियो वहाँ पे अच्छी सु कोई जो है वो जो भी साज हो वो चढ़ा दियो, वहाँ पे गादी पधरा दी अच्छी, और फिर गादी पधरा दी अपवा में पुरुषोत्तम को तुम बिरजवा सको आनंद सु। तो ये सब जो है वो या तरह की अनुभूति है। ये के लिए महाप्रभु जी ने कही आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिन्तयेत्। आत्मानंद समुद्रस्थ कृष्ण को चिंतन करो। नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराभिषायिनम लक्ष्मी सहस्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। ये देखो भागवत कांस महाप्रभु जी ने पकड़ी है बात सारी ये शास्त्र की। या बात को तुम अपने मंगलाचरण के भी पाठ में समझोगे ना तो अच्छी तरह से समझ में आएगी कि षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदय मम। अब अपन कह के अच्छा अच्छा हम समझ गए तो महाप्रभु जी के हृदय में विराज तो वो तो हमारे हृदय में तो विराज ही नहीं, तो वही माई हेड मतलब मास्टर जी का सिर हो गया ना। फिर तो माई हेड मैंने मास्टर जी का सिर हुआ। तुमको बता दियो कि भाई सटभिर विराज थे यो सब, ये पाठ तुमको करने को है कि महाप्रभु जी ने की हो। खाली मंगलाचरण अपन करेंगे चिंता संता अनंतारो नमामि हृदय शेषे, तो ये पाठ अपन कौन करेंगे? षड्भिर विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम, ये पाठ अपन करेंगे। फिर अपन मम को मतलब कह के मम मतलब महाप्रभु जी के हृदय में, तो माई हेड मैंने मास्टर जी का सिर हो गया पाछा। फिर या को सॉल्यूशन नहीं है, फिर तो वो घर में भी जूता पड़ेंगे। घर में वो कहो कि नहीं भूतली पुरुषोत्तम है कहेंगे कि नहीं पंचदा हृदय मम, तो अपन कहेंगे अच्छा हवे समझी गया कि बाड़को ना हृदय में बिराज। अरे बिराज तो नहीं मनोरथी बिराज चे त्या ये बिराज तो तावा लफड़ा था तज के बिराज तो ता मार्ग नहीं दुर्गति न था। ये बात नहीं याकू शुद्ध तत्व सु समझो। शुद्ध तत्व सु समझोगे तो समझ में आ जाएगी कि जब भी अपन या बात को अनुभव कर रहे हैं षड्भिर विराजते योऽसौ पंचधा हृदय मम, सबके हृदय में वातरसु ही विराजे है। पर दर्शन कब दे है कि जब तुम यह बात को स्वीकारो, जब तुम यह बात को स्वीकारो महात्म्य ज्ञान से स्वीकारो, सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह से स्वीकारो, भागवत को स्वीकारो। अहम आत्मात्मनाम धाता पृष्ठ सन प्रेयसामपि अतो मई रतिं कुर्या देहादिर यत्कृते प्रिय, या भाव सु प्रथमोपदेश को शिरोधार्य करके स्वीकारो। फिर षड्भिर विराजते योऽसौ पंचधा हृदय मम, वो माँ यड मने मास्टर जी को सिर नहीं रह जाएगा। वो जो बोले सो निहाल, जैसे सरदार जी कहें ना सत श्री अकाल, ऐसे जो बोले सो निहाल हो जाएगा। नहीं बोले वो परेशान हो तो रहे, बाकी जो बोले सो निहाल वो स्थिति वहाँ पैदा हो जाएगी। तुम बोल रहे हो तुम्हारे हृदय में वो विराज रहे है, नहीं विराज रहे हो तो महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा क्यों करें? आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमय विचिन्तेत, भगवान ऐसी आज्ञा क्यों करें? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय जन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि, क्यों भगवान ऐसी आज्ञा करें? भगवान ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, गीता में आज्ञा कर रहे हैं, एषता आत्मा अंतर्याम्यमृत वो हृदय से जन तिष्ठति, ये तेरे अंदर विराज भयो है। ये आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति, यस्य आत्मा शरीरम यमात्मा न वेद एषता आत्मा अंतर्याम्यमृत। ये बात उपनिषद ने अपने को समझाई, मैंने ये बात ब्रह्मसूत्र ने अपने को समझाई, ये बात अपने को गीता ने समझाई, ये बात भागवत ने समझाई, ये बात महाप्रभु जी ने समझाई। और वह बात को अपन समझेंगे तो अपने भीतर भी विराज रहो है, वह वक़्त जो है वो आनंद रूप है। और जब वही बाहर भी है ये जब अपन ने स्वीकार लियो वो झट सु आनंद जनक हो जाएगो। वो आनंद रूप ही केवल नहीं रह जाएगो, वो आनंद जनक भी हो जाएगो। जब तक तुम भीतर विराज रहे है वकु भीतर ही अनुभव करते रहे तो वो आनंद रूप रहेगो। और जब वकु बाहर स्वीकार लियो ब्रह्म के तया के सब कुछ ब्रह्म है तब वो आनंद जनक भी हो सकेगो। या तरह सु वो आनंद रूप भी है और आनंद जनक भी है। ये बात कल भी मैंने आपको बताई कि जो है वो ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म वो जो मैं बता तो आपको रहूं कि जैसे पुंभाव
स्त्री भाव और पुंभ भाव, हर पुंभ भाव के बीच में एक स्त्री भाव है और हर स्त्री भाव के बीच में एक पुंभ भाव है। या जैसे कल मैंने आपको बताई थी कि हर सौंदर्यानुभूति की कोई सौंदर्याभिव्यक्ति भी होनी चाहिए और हर सौंदर्याभिव्यक्ति की कोई सौंदर्यानुभूति भी होनी चाहिए। यदि सौंदर्य को अनुभव अपन कर रहे हैं एस्थेटिक्स के हिसाब से, पर वाको यदि अपन अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, एक बात निश्चित समझो कि जब अपन अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अटक गई बात अनुभूति की। वो अनुभूति जब अभिव्यक्त नहीं हो पा रही है, माने जैसे वाल्मीकि के लिए कहा जाए कि उनने वो करुणा अनुभव करी, क्रौंचिक मिथुन मैसु एक कूप मार्यो, तो उनने वो करुणा अनुभव करी और करुणा अनुभव करी तब वाल्मीकि के मुंह में से, वाल्मीकि महर्षि के मुंह में से ये श्लोक फूटे, मानिषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शास्त्रती समा यत क्रौंच वदनादेकम यत क्रौंच मिथुनादेकम न्यवधित काम मोहित। ये जो करुणा उनने हृदय में अनुभव करी वो मुंह से फूटी भी, वाकु अभिव्यक्ति भी मिली, अभिव्यक्ति मिली करके वामेश वाकी रामायण प्रकट हुई है। ये रामायण को रहस्य है कि उन एक बहेलिया ने क्रौंच मिथुन को मार्यो, वासु उनको स्ट्राइक भयो, कि यही तो चक्कर सारा रामायण में हतो कि रावण सीता को हर गयो और करके फिर आखिर रामायण प्रकट भई। या श्लोक के मॉडल बना के तो एक बात समझो ध्यान सु कि जब सौंदर्य को अपन अनुभव कर रहे हैं तो वह अनुभव में कोई न कोई अभिव्यक्ति है। अपन रोक देंगे तो रुक जाएगी, अपन कोशिश करेंगे तो प्रकट होने लगेगी। और जो भी सौंदर्यानुभूति है वह सौंदर्यानुभूति में कोई न कोई पाची सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, वह सौंदर्य की अभिव्यक्ति में पाची कोई न कोई सौंदर्यानुभूति भी रही भैयो वह। यदि सौंदर्यानुभूति नहीं हो रही है अभिव्यक्ति में तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लफड़ा है सौंदर्य के और अपने जो है वो इंटरेक्शन में। जैसे मेरे एक परिचित भाई हैं, अब मुकुश शास्त्री संगीत को बहुत शौक है, बहुत शौक है, से उनको भी पता चल गई कि मुकुश शास्त्री संगीत को शौक है, तो वो हर वक्त बुला लें, कई वक्त बुला लें, हर वक्त तो नहीं पर कई वक्त बुला लें। उनके साथ प्रॉब्लम बिचारे के साथ ये कि शास्त्रीय संगीत सुनते सुनते उनको नींद ही आ जाए। अच्छी बात है, नींद भी आना कोई बुरी बात नहीं है, पर वहां में तकलीफ मेरे को क्या हुआ मैं समझाऊं, क्योंकि एक तो बुला लें तो सभ्यता के मारे, संकोच के मारे, व्यवहार के मारे जाना पड़े, फिर उनको नींद आ जाए, फिर सोए रहे फिर अचानक उठे, अचानक उठ के उनको गाना वाना कुछ चलते है, 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 है। करके फिर सो जाए। भाई क्या करना, ये ए, 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 ए। अब वो तान चल रही है वाकई साथ में जुगलबंदी और हो जाए कि देखो क्या हो गया ये फिर सो जाए, लफड़ा है। मतलब सुन रहे हैं संगीत पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओपेसिटी आ गई है, वहां को जो मजा लेनी चाहिए आदमी की 50 कारणों में थके हुए आदमी सो जाए पर कोई कोई ओपेसिटी ऐसी पैदा हो गई है कि वह सौंदर्य की अभिव्यक्ति में सौंदर्यानुभूति नहीं होके और निद्रानुभूति हो जा रही है। वो भी एक है, अलग आनंद है, पर वो एक अलग आनंद है। ये जो सौंदर्य अनुभव हो रहे है, वाको जो सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो रही है, वहां में कोई ना कोई अनुभूति भी होनी चाहिए। तो वाको एक साइकिल है, जैसे सौंदर्य शास्त्र में, ऐसे ही आप ये समझो कि कोई भी विज्ञान की साधना में भी आप सोचोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो अपन डिस्कवरी कर रहे हैं, जो अपन जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वह ऑब्जर्वेशन करके कुछ न कुछ आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, तो हर ऑब्जर्वेशन में कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट छुपे हुए होना चाहिए। आपकी विज्ञान की साधना कहीं न कहीं अधूरी रह गई, और जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए उनको भी पाछा देखना चाहिए, निरंतर देखते रहनो सजाग रह के, माने जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनको भी पाछे ऑब्जर्व करो। या तरह से एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की जो एक साइकिल चले है निरंतर, वहां में विज्ञान साधना हुए है। विज्ञान साधना जो है वो यदि ये रुक गयो, यदि ये रुक गयो कहीं,
तो फिर विज्ञान साधना आपकी खंडित हो जाएगी। जैसे महा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट चले हैं, ऐसे ही विज्ञान की सिद्धि काय में हो है कि आपको कोई सत्य जो है वाकी डिस्कवरी हो जाएगी, कोई सत्य जो है आप वाकू इन्वेंट कर पाओगे। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में मैं भी पाछे यही संबंध है कि हर डिस्कवरी में कोई न कोई इन्वेंशन छुपे भयो है और हर इन्वेंशन में कोई न कोई डिस्कवरी छुपी भई होगी और एवं प्रवर्तितम चक्रम, तब विज्ञान की आपको सिद्धि मिलेगी। यदि वो नहीं चलियो तो विज्ञान सिद्धि भी आपको बराबर नहीं हो रही है, कहीं न कहीं अटक गई बात। या बात को ध्यान से समझो, ये सब जगह है आनंद रूपता और आनंद जनकता। कैसे है कि जब आप ऐसा एक जा वक्त आपको डिस्कवर कर रहे हो तब जो है वो आनंद रूपता वैज्ञानिक आनंद प्रकट होएगो कि आज डिस्कवर हो गयो, ये यूरेका 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 वो आनंद हो पाए। और वह यूरेका के कारण वो जब आपने कोई ट्रूथ डिस्कवर कियो वाके बाद आपको कोई इन्वेंशन करने को पड़ेगो, वो पाछो आनंद जनक हो जाएगो या तरह सु। और वो आनंद जनक हो जाएगो वाको फिर पाछो कुछ न कुछ वाके आधार पर फिर कोई डिस्कवरी स्टार्ट हो जाएगी, फिर कुछ ऑब्जर्वेशन, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट। ये विज्ञान की साधना और सिद्धि का प्रकार है। वहां भी यही तरह से आनंद रूपता और आनंद जनकता है, यह कितना यूनिवर्सल पहलू है ये मैं आपको समझाना चाह रहे हूं। यही तरह से हर लीला, हर भगवत लीला में एक सेवा कथा प्रकट होनी चाहिए। जो वो लीला को पढ़ेगो वाकू ये कथा समझ में आएगी, जो वह लीला को श्रवण करेगो, जो वह लीला को कीर्तन करेगो, जब वह लीला को अपन की स्मरण करेंगे तो वहां में सुधीरे सु एक सेवा कथा प्रकट हो जाएगी कि भाई ये ऐसे सेवा भई थी, ये ऐसी लीला भई थी, या के आधार पे या तरह से अपने को सेवा करनी चाहिए ऐसे तरह से। बहुत सी बातें अक्सर अभी कल या परसों भी कोई भाई ने या ऑडियंस में से सवाल किया कि आप सेवा की इतनी सारी बात कर रहे हो पर सेवा कैसे करनी है बताओ। मैं एक ही खुलासा वाक्य रूप में कह, क्योंकि सब प्रश्न तो लिए नहीं जा सके हैं। अपन ने पहले भी अनाउंस किया तो कि जो विषय यहाँ चल रहे है वासु संबद्ध कुछ पूछोगे तो जरूर बताऊंगो, और कई कोई असंबद्ध बातें सब पूछे तो कब सब बताने बैठूं तो ये पूरी नहीं हो रामायण। पर एक प्रिंसिपल के तौर पर मैं ये बात बताना चाहूंगो कि याकू ऐसे आप समझो कि शादी कर रहे हो, वहां के पहले आप यदि पूछना चाहते हो कि कैसे साथ रहना हो ये समझाओ, अरे भाई शादी कर लो, धीरे धीरे एक दूसरे से समझ लो, समझ में आ जाएगी, इतनी कोई गंभीर कथा नहीं है। और बहुत कोई पजल्ड हो तो दो चार को देख लो लीला क्या हो रही है, बस वहां से सेवा कथा समझ में आ जाएगी। लीला देख लोगे तो सेवा कथा समझ में आ जाएगी, सेवा कथा समझ लोगे तो लीला वहां में कोई ना कोई छुपी भई है। ये ऐसे ही ठाकुर जी के साथ भी है, कोई बालक को कैसे कोई माँ पाल रही है वो देख लो तो अपने बाल भाव से ठाकुर जी को कैसे लाड़ लड़ानो समझ में आ जाएगा। ये लीला देख लोगे तो सेवा कथा समझ में आ जाएगी, सेवा कथा समझ में आ गई ठाकुर जी को कैसे लाड़ लड़ानो तो लीला समझ में आ जाएगी कि भाई बाल लीला कैसी हो है। ये तो हर सेवा में कोई लीला कथा, हर लीला कथा में कोई सेवा को, यही तरह से जो है वो लीला जो है अपने लिए आनंद रूप हो जाएगी, पर जब सेवा कथा आप स्वयं करोगे अपने घर में तो आनंद जनक हो जाएगी। और वो जा वक्त आनंद जनक हो गई वहां में सुफिर पाची कोई एक लीला प्रकट होगी आनंद रूपा। ऐसे आनंद रूप और आनंद जनकता को साइकिल निरंतर हर जगह चलना है, या मैं कोई इतनी बस ऐसी बात है कि जरा सा दिल है लेकिन कम नहीं है, इसी में कौन सा आलम नहीं। बात बहुत छोटी सी है पर या मैं सारी दुनिया या ही रूप में समाई भई है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगी। सुर गीत यही तो चक्कर है, सुर समझ में आ जाए आपको गीत आप गा सकोगे, गीत समझ में आ। देखो अभी आज मैंने नयो राग में गायो गीत, आप लोगों ने शायद सुनियो नहीं होगा करके आपको सुर समझ नहीं आयो, फिर थोड़े थोड़े दिन में दो चार बार में ये राग में समझो कीर्तन गा तो आपको सुर समझ में आ जाते, सुर समझ में आ जाते तो गीत भी समझ में आ जाते। तो हर सुर में कोई गीत समाया भयो है, हर गीत में कोई सुर समाया भयो है। अभी नया राग गा दियो तो अपन सब बेफल्ट हो गए भाई क्या कैसे ढंग से क्या राग सुर जा रहे हैं। ऐसा ही है, नया राग गा दें तो नहीं समझ में आवे पर थोड़ी देर वाके साथ
सुर के साथ अपनो परिचय होते है तो सुर से परिचित होके गीत गा सके, सुर से नहीं परिचित है तो गीत से परिचित होके अपन सुर को समझ सके। हर सुर में एक गीत है, हर गीत में कुछ न कुछ सुर हैं, उनको ऐसे ही आनंद रूपता और आनंद जनकता को एक स्पष्ट वही रूप जो है वो संगीत शास्त्र में भी है। भी वनस्पति शास्त्र की दृष्टि से देखो तो बीज और फल फूल में कौन सा चक्कर है, हर बीज जो है वो आनंद रूप है, पर हर फल और हर फूल आनंद जनक हो जाए है, और जो हर फल और हर फूल आनंद जनक हो जाए वो फिर अपने में से कोई न कोई बीज को प्रकट कर दे आनंद रूप को, के वासु फिर पाचो मन एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति है, या कोई मोघायु नहीं हो जाए, कोई मोघायु इंद्रियाराम नहीं हो जाए, वो चक्र चलतो रह सके। वनस्पति शास्त्र में भी यही तरह की आनंद रूपता और आनंद जनकता है। स्त्री पुरुष और दाम्पत्य देखो तो वही शास्त्र है, हर स्त्री है हर पुरुष है, पर वो स्त्री पुरुष जा वक्त दाम्पत्य में आएंगे, हर स्त्री एक आनंद है हर पुरुष एक आनंद है, पर दाम्पत्य होंगे तो आनंद जनक हो जाएंगे, और दाम्पत्य नहीं होएगा दोनों में तो स्त्री पुरुष में तो आपस में जूता जूतम पैजार भी चल सके नहीं चल सके ऐसी बात नहीं है, पर यदि दाम्पत्य स्थापित हो गयो तो वो जो स्त्री पुरुष को जो स्त्री पुरुष होना है आनंद रूप वो आनंद जनक भी हो सके है। यहाँ आनंद को मैं बहुत वाइडर टर्मिनोलॉजी में कह रही हूँ, वैसे तुम वो विषय आनंद और वो सबके कंफ्यूजन में घबराइयो मत, बहुत वाइड टर्मिनोलॉजी में बात बता रहे हूँ। तो ऐसे ही माता पिता और संतति, एक माता पिता हैं और संतति हो गई, माता पिता जो है वो आनंद रूप है, वो उनको अपना मातृत्व अपने पितृत्व को एक आनंद होएगा, पर जा वक्त संतति प्रकट भई तो आनंद जनक हो जाएगा उनको मातृत्व उनको पितृत्व, और वो जो उनमें मातृत्व पितृत्व जो संतति प्रकट भई वहां में फिर पाछे कोई न कोई आनंद रूप को जो है वो प्रकट हो जाएगा। या तरह से अपने परिवार शास्त्र के दृष्टि से देखो तो ऐसे ही चल रहे है, समाज और व्यक्ति, तो हर समाज में कोई एक व्यक्ति है, हर व्यक्ति में कोई न कोई समाज को गुण को निर्वाह करने वाले जो हैं वो गुण चरित्र कैरेक्टरिस्टिक रह गए हैं। ये बात ध्यान से सोचो, ये बात यदि होए ना तो कभी समाज में उधम होए ही नहीं। जितना भी समाज में उधम है वह उधम को मूल चक्कर ये है कि अपन समाज में रह रहे हैं पर समाज को अपने भीतर नहीं प्रकट कर पावे करके अपन असामाजिक हो जाए हैं। अपन असामाजिक हो जाए करके समाज में जो है वो तूफान शुरू हो जाए। यदि समाज में जा समाज में अपन रह रहे हैं ब्रह्म रूप जो समाज है वहां में एक अंतर्यामी समाज अपने भीतर भी अपन पैदा कर लें, बहुत सारे असामाजिक उपद्रव असामाजिकता के अभी शांत हो सके हैं। पर ये एक उपनिषद को रहस्य है जो अपने को हर जगह लागू करके देखना है, कैसो ब्रह्मविदा अपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम। समाज को तुम यही रूप समझोगे कि समाज सिर्फ हमारे चारों ओर बाहर है और तुम्हारे भीतर तुम समाज को रूप नहीं लाए फिर कभी जो है वो तुम सामाजिक प्राणी नहीं बन सकोगे। जो बाहर समाज है वह को भीतर भी पधराओ, अपने आप मन में बुद्धि में विचार में वाणी में वह तरीके की डिसिप्लिन आनी लगेगी और फिर समाज तुम्हारे में आ जाएगो तुम में समाज आ जाएगो, बस वो बात स्वस्थ हो जाएगी सामाजिकता के रूप से। यदि ये बात अपन समझें तो फिर समझने में कोई तकलीफ अपने को नहीं रहनी चाहिए कि यही तरह से हर गुरु में शिष्य प्रकट हो रहे है, क्योंकि गुरु पढ़ा रहे है तो कोई ना कोई शिष्य को ही पढ़ा पाएगा, भीत को तो थोड़ी पढ़ाएगा। जयपुर में जयपुर महाराजा ने एक संस्कृत पाठशाला खुलवा दी, संस्कृत पढ़े कौन, वो वाह जंगचर पे खुलवाई संस्कृत पाठशाला के जा जंगचर पे अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू भई, तो वो पाठशाला खुलवा दी, पंडित जी को पगार दे दियो, पढ़ने को आतो नहीं पढ़ने आतो नहीं तो उनने जितने थंबाए होते कोई को नाम रमेश कोई को नाम दिनेश कोई को नाम सुरेश कोई को नाम गणेश रख के, क्यों बे रमेश समझ में आई कि नहीं। अब वो इंस्पेक्टर आते कहते हैं पाठ चल रहे ऊपर रिपोर्ट लिख देते कहाँ स्कूल चल रही है अच्छी तरह से। एक दिन जयपुर महाराज ने कहा चलो इतना पैसा खर्च रहे आके देखें, वहां न कोई रमेश हतो न गणेश हतो न दिनेश हतो न सुरेश हतो, उनने की गई कहां गए सब विद्यार्थी, बोले आपने पाठशाला चलाई पर विद्यार्थी नहीं भिजवाए तो कौन को पढ़ाओ, अब मैं अपनी पढ़ी भई विद्या को भूल तो नहीं सकूं, तो इन थंबान में मैंने भाव स्थापित किया है विद्यार्थी को,
शायद कोई नरसिंह प्रकट हो जाए, या आशय होगा उनको। तो वो हर रमेश सुरेश गणेश दिनेश सबको पढ़ाते रहते थे कि समझ आई कि नहीं। अब ये पता नहीं है रहस्य के, कोई कहा तू बैंत भी लगा दे नहीं, क्या बेवकूफ समझा नहीं है, 2000 बैंत भी लगाई हो तो और मजा आ जाए। तो एक बात समझो कि हर गुरु में एक शिष्य है, और जाने भी अच्छी तरह से विद्या ग्रहण करी है, वो विद्या ग्रहण करी, वो तभी विद्या अच्छी ग्रहण करी कि जब वो फिर जो है वो कोई शिष्य तैयार अपने में सुकर है। बात हमारे दादाजी को एक नियम है तो यही लिए पढ़ाने को कि जो उनने आज पढ़ायो वो कल सुनाते नहीं हम। दादाजी कहते आज पाठ नहीं चलेगो, चलेगो ही नहीं पाठ, जो कल पढ़े वो सब सुनाओ, सब सुनाओ तो पाठ आगे चले। अपन कहते हैं समझ गए तो मरे, समझ गए तो दादाजी प्रश्न पूछे, दादाजी प्रश्न पूछे तो जवाब कैसे देना, नहीं समझे तो फिर से दादाजी समझावे, मतलब पाठ आगे नहीं चले जब तक जो है वो कल पढ़े भयो बात आगे पाछी रिपीट अपन ने नहीं करी। तो ये एक पुरानी प्रक्रिया होती, क्योंकि 2-4 विद्यार्थी होते तो संभव हो सके, अब वो कौरव की तरह सब हो जाए ना तो फिर मुश्किल हो जाए, वो बेचारा धृतराष्ट्र क्या करे, और को अंधे ही होके फिर राज्य चलाना पड़े। 2-4 होए ओछा बाल जय गोपाल तो कृष्ण अपनवा में ला सके सहाय के रूप में, बाकी कौरव की तरह जमात की जमात खड़ी हो जाए जो पुष्टि मार्ग में हो गई, दे दे ब्रह्म संबंध, तो कौन कौन को समझावे, कैसे समझावे, क्या समझावे। बहुत कौरव की तरह सृष्टि हो गई धृतराष्ट्र के द्वारा पैदा करी हुई अंधेन के द्वारा, तो वहां में तो समझाना फिर डेफिनेटली मुश्किल बात है। सो यही बात है कि यही तरह से हर प्रीति में अपने यहाँ देखो सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई। तो एक बात ध्यान से समझो कि ब्रज गोप ब्रज भक्तन ने क्या रीत प्रकट करी थी कि प्रीत प्रकट करी थी, ब्रज भक्तन ने प्रीत प्रकट करी थी, तो वह प्रीत के आधार पर महाप्रभु जी ने कोई सेवा की रीत प्रकट करी, और वो रीत जो प्रकट भई है सेवा की, वह में महाप्रभु जी ये अपेक्षा रखें कि अपन प्रीत प्रकट करें, धंधा प्रकट नहीं करें, रोजी रोटी खमाने को कौभांड प्रकट नहीं करें, वो सेवा की रीत में अपन फिर सुप्रीत प्रकट करें, सुप्रीत में से कोई रीत प्रकट होगी, रीत में सुपाची प्रीत प्रकट होगी, वो प्रकट होती रही तो आनंद रूपता भी होगी। प्रीत जो है वो आनंद रूप है, प्रीति जो है वो आनंद रूप है, पर वह प्रीति की यदि रीत समझ के और अपन ने जो है वो अनुसरण शुरू कियो तो वो रीति जो है वो प्रीति मूलक जो रीति है। आप महाप्रभु जी गोसाई जी के ग्रंथ पढ़ो, सर्वत्र यही खुलासा उनने किया है कि प्रीति मूलक रीति को अनुसरोगे तो आनंद जनन प्रकट हो जाएगो, आनंद जनक हो जाएगो। सो सेवा रीति प्रीति व्रज जन की जनहित जग प्रकटाई, प्रकट वे महारग दीघाई। वही बात अपन यासु भी समझ सकें कि अनंत में संख्या प्रकट होगी, संख्या में अनंत प्रकट होगा, वो मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाई थी कि जो अनंत है वह में संख्या नहीं है, पर यदि संख्या नहीं है तो अनंत ही प्रकट नहीं होएगो, क्यों कि जब तक जहां तक गिनो है उतना आप गिन नहीं पाए तो फिर अनंतता प्रकट नहीं होगी। अपन 110 गिन के और कह देंगे कि अच्छा इतो है। यही तरह से हर जो है वो तर्क में निष्कर्ष प्रकट होएगो, तर्क शास्त्र के एंगल से देखोगे तो तर्क में निष्कर्ष प्रकट होएगो, जो निष्कर्ष आप दे रहे हो वहां में फिर से कुछ नए नए तर्क प्रकट होंगे। यदि ऐसा नहीं हो तो अपने यहाँ शास्त्रों को जो इतना विस्तार भयो वो विस्तार कैसे हो, तो ये बात ध्यान से समझो। ये तर्क शास्त्र में भी यही बात है, आनंद रूपता, हर जो तर्क है वो आनंद रूप है, आनंद जनक नहीं है। तो जा वक्त सारे तर्क कर करके अपन कोई निष्कर्ष को हासिल कर ले हैं, वह वक्त जो है वो एक लॉजिकल ब्लिस अपने को पैदा हो जाए, तार्किक आनंद अपने को पैदा हो जाए कि अब निष्कर्ष आ गयो, और वो जो तार्किक निष्कर्ष अपने को आयो वाके कारण जो है वो फिर पाछो एक आनंद रूप तर्क फिर से पैदा होएगो। यदि आप में तर्कानंदता है तो, तर्कानंदता नहीं है तो एक अलग कथा है, पर तर्कानंदता है तो तर्क शास्त्र में भी वही नियम काम कर रहे है। उपनिषद ने जो अपने को आर्ष दृष्टि दी है, ब्रह्म विदाप्नोति परम यो वेद निहितं गृहायाम, वो कैसी यूनिवर्सल है,
वो बात आप महसूस करो, तब आपको ये बात पता चलेगा कि द्वारकेश जी ने जो छोटी सी बात कही है आनंद रूप और आनंद जनक, वो छोटी सी नहीं है, वैसे बहुत बड़ी बात है और कहने को बड़ी छोटी सी बात है। ये बात समझ में आएगी। प्रत्यक्ष, हर प्रत्यक्ष देखो आप, हर प्रत्यक्ष में एक स्मृति है, कोई आशा पैदा हो जाए, हर प्रत्यक्ष कोई स्मृति अपने मन में छोड़ जाए है भूतकाल की, पैदा कर दे है, और भविष्य काल के लिए हर प्रत्यक्ष कोई अपने में आशा पैदा कर दे है, और वो स्मृति और प्रत्यक्ष के कारण फिर से अपने को बहुत सारे प्रत्यक्ष पैदा हुए हैं। जैसे एक बात ध्यान समझो, आपने कोई को व्यक्ति को या कोई वस्तु को कहीं देखी, वह वस्तु को आपने देखी और देख के आप में स्मृति नहीं रह गई, आपको वाकू फिर से देखने की आशा नहीं रह गई, तो जा वक्त दोबारा वह दिखेगो वो ऐसे कैसे ही दिखेगो, और जा वक्त स्मृति और आशा रह जा रही है वह व्यक्ति की या वह वस्तु की, तो आपको प्रत्यक्ष जब होएगो वो पाछो रिकग्निशन के लेवल को प्रत्यक्ष होएगो। बहुत एक मजेदार, अपने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनको मैंने एक वक्त लेख पढ़ो कि उनको कोई सेठिया ने दिल्ली में भोजन के लिए बुलाया, वो बेचारे भोजन के लिए गए, अब उनको मन नहीं लग रहे हो, तो ऐसे ही भोजन में रात के डिनर में ऐसे ही गपशप चल रही थी, तो वो उनके बगीचा में आके खड़े होके कुछ ऐसे ही टहल रहे थे, तो एक आदमी और टहल तो मिलो, तो उनने वाकू पकड़े, उनने समझो कि ये भी मेरे ही जैसो रखड़ पट्टी मने बेचारों परेशान हो रहे हो या डिनर के कारण, सुनने के ये सब डिनर कितने बोरिंग हो मैं नहीं, सुनने के हाँ हाँ, बोले क्या करो, बोले तुम कैसे आए यहाँ, बोले मैंने ही तो डिनर ऑर्गेनाइज किया तो। स्मृति नहीं रह गई वाकू के जाने ऑर्गेनाइज किया, वो ही बेचारा बगीचा में चक्कर मार रहे, व्यर्थ की चर्चाएं चले तो वो भी बोर हो गए, चलो चक्कर मारो, ये भी बेचारा चक्कर मार रहे हो, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने बेचारे ने पूरा अपना आर्टिकल दियो कि कई कई वक्त कैसे स्मृति अपने को दगा दे, वही कोई पकड़ के उनने क्या करें यार, बहुत बोर हो रहे थे डिनर में। वो मैं ही तो हूँ इन्वाइट करने वाला आपको। तो देखो हर स्मृति में जा वक्त प्रत्यक्ष नहीं हो जाए है स्मृति, सुजो प्रत्यक्ष नहीं उत्पन्न हुए है वह मैं या तरीके के लफड़ा हुआ ही है, अपन को फिर खुद को परेशान होने पड़े कि भाई ये प्रत्यक्ष नहीं भय होता तो अच्छा रहता, ख्याल में आई ना आपको। तो हर प्रत्यक्ष में स्मृति और आशा की उत्पादकता है, वो प्रत्यक्ष जो है वह आनंद है, पर जा वक्त प्रत्यक्ष कोई स्मृति और आशा को उत्पन्न करे है वह वक्त वह आनंद जनक हो जाए है, वो फिर दूसरे प्रत्यक्ष के लिए। तो मानस शास्त्र के दृष्टि से भी यही सिद्धांत वहां भी लागू पयो है, श्रद्धा विश्वास श्रद्धा, हर श्रद्धा यदि आपने करी तो वहां में से कोई न कोई आपको विश्वास पनपेगो, और जो आपको विश्वास पनपियो है वहां में से ही फिर से कोई आपको श्रद्धा पनपेगी, वहां को भी यही तरीके को चक्र है श्रद्धा और विश्वास को। हर श्रद्धा जो है वो आनंद रूप है, पर विश्वास आनंद जनक हो जाएगा। आज अपने पास जो लफड़ा है ना वो यही लफड़ा है कि अपन को श्रद्धा रह गई है पर विश्वास नहीं पनप पायो है करके, महाप्रभु जी में अपने को श्रद्धा है कि हाँ महाप्रभु जी हमारे आचार्य हैं, और पर महाप्रभु जी में विश्वास हो तो महाप्रभु जी के उपदेशन को अपन अनुसरण क्यों नहीं कर पाते, नहीं कर पा रहे हैं उपदेश को अनुसरण, खोटी एक श्रद्धा रह गई है, तो वो आनंद रूपता कछु रह गई है पर आनंद जनक नहीं हो पा रहे हो है विश्वास के अभाव में। मैं महाप्रभु जी ने यही लिए विवेक धैर्याश्रय में कहो, अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु स ब्रह्मास्त्र चातक उभाव्य प्राप्तम सेवेतन। तो हर श्रद्धा में से कोई विश्वास पैदा होना चाहिए, हर विश्वास में से फिर एक श्रद्धा पनपनी चाहिए, वह तरह सु बीजांकुर को प्रवाह चले तो आनंद और आनंद जनकता को अपने को बोध होएगो। भगवान और भक्त को भी यही स्वरूप है कि हर भगवान में सु कोई भक्त पैदा भयो। अपन ऐसे नहीं माने हैं कि भक्त जो हैं वो अलग हैं, जो भी भक्त पैदा भये हैं वो भगवान में सु प्रकट भये हैं, वाको और सारी बात जाने दो दर्शन की कड़ाकूट, सीधे से अपने यहाँ को एक बात समझ लोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि भक्त कैसे भगवान में सु पैदा हुआ है। क्यों कि अपने यहाँ स्पष्ट सिद्धांत है कि जा नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते ते न लभ्य
तस्यैष आत्मा विवृणते त्वनुसाम, जा जीव को परमात्मा वरण करे है अपनी भक्ति के लिए, वो जीव जो है वो परमात्मा को भक्त बने हैं। जाको भक्ति के लिए वरण परमात्मा नहीं करे है वो परमात्मा को भक्त हो नहीं सके है, जाको परमात्मा भक्ति के लिए वरण करे है वो भक्त हो पावे है, वो भक्त हो पावे तो वो अपने में वाके हृदय में भाव इतनो दृढ़ हो पावे है कि वाकू कैसो भगवान चाहिए, वाके भावात्मक रूप जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वो कोई जो है वो मदन मोहन जी, लड्डू गोपाल भी आ गए हों तो उनको मदन मोहन जी के रूप में प्रकट करने की वामे सामर्थ्य आ सके, क्योंकि वाको भाव यदि है कि मेरो बाल कृष्णलाल मदन मोहन है ठाकुर जी और लड्डू गोपाल आ गए हो, तो वो अपने भाव के बल पे समझो भाई ठंडी सुसुकड़ गए, अभी इनको तेल मालिश करके ठीक से फिर से मदन मोहन जी बनाओ, तो वो भगवान को प्रकट कर सकेगो। पर जाको प्रभु ने भावात्मक वरण करके भक्त नहीं बनायो वो भगवान नहीं बना पाएगो, करके महाप्रभु जी निरंतर ये बात कहते जा जो स्वरूप तुमको रुचे सो पधरा लाओ, वाकु फिर पुष्ट मैं करूंगो। तो ये बात ध्यान से समझो कि हर भक्त भगवान ने बनायो है और हर भगवान भक्त को बनाया भयो है। ये बात अपने को समझ आवे तब फिर अपने को समझने में जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए द्वारकेश जी को, कि हर आचार्य जो है वो आराध्य को बनाया भयो भयो है और हर आराध्य आचार्य को बनाया भयो है, करके या आचार्य के नाम के विस्तार में आराध्य को अनुसंधान आनो और आराध्य के जो लीला है वह मैं आचार्य के नाम को अनुसंधान आनो। ये साइकिल चलतो हो तो स्वस्थ है और ये साइकिल नहीं चल रही है तो अस्वस्थ हो जाएगो, कोई न कोई भूतली पुरुषोत्तम को कौभांड हो जाएगो। या बात को ध्यान से समझो कि कैसे आचार्य रूपता है और कैसे आराध्य माने आचार्य आराध्य जो है वो जो है वो आनंद रूप है, तो आचार्य जो है वो आनंद जनक हो जाएगो। आचार्य यदि आनंद आराध्य यदि जो है वो आनंद रूप है तो आचार्य आनंद जनक हो जाएगो। आचार्य यदि आनंद रूप है तो आराध्य जो है वो आपको आनंद जनक हो जाएगो। कैसे कि जा वक़्त आचार्य ने आपको आपको स्वरूप पधरा दियो कृष्ण सेवा के लिए, वा वक़्त आपके घर में कृष्ण प्रकट हो जाएगो। करके प्राचीन इनके पहले के जो टीकाकारन ने आनंद को अर्थ करते वक़्त ये बात कही थी कि आसमंतात नंदो आयाति यस्मात, तुम्हारे घर में नंद प्रकट हो जाएगो। या बात को ध्यान से समझो, ये आचार्य के कारण तुम्हारे घर में नंद प्रकट तुम्हारे में नंद प्रकट हो सके। आज तो अपन ने क्योंकि आचार्य चरण की वाणी को अवगाहन नहीं कियो, करके अपने साथ ये लफड़ा हो गयो कि अपन यो समझे कि आज ऐसा नंद बनो ये तो हवेली की कोई बात है। नहीं नहीं, जो आदमी महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार सेवा कर रहे हो है वो नंद रूप है 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 और है, और वाके घर में नंदात्मज प्रकट भयो है वो नंदात्मज ही प्रकट भयो है। ये तुम कुछ ठगे जा रहे हो है, जो लोग यूं कहें कि तुम्हारे यहाँ नंदात्मज नहीं है वो तो तुम्हारे यहाँ गुरु रूप से विराज रहे हो है। पर समझो कि कोई ऐसी हड़फेट में तुम आ जाओ भूतली पुरुषोत्तमन के, तो उनको फिर ये सिद्धांत समझाओ कि गुरु में आज भगवान छुपे भयो है और भगवान में गुरु छुपे भयो है, या के लिए हमारे यहाँ भगवान है ही गुरु रूप है तो क्या फर्क पड़े हो। आपके यहाँ भी जो भगवान है वह हमें कोई ना कोई गुरु रूप छुपे भयो, आप भी जो पुरुषोत्तम हो तो आप में भी कोई ना कोई गुरु छुपे भयो होएगो तो स्वस्थ है, और गुरु नहीं छुपे भयो है तो आपकी पुरुषोत्तमता हमारे काम की नहीं। महाराज नित्य लीला में बिराजो ना, हमारे क्या लेना देना आपसे। गुरु रूपता है तो हमारे पे बाइंडिंग है, गुरु रूपता आपकी पुरुषोत्तम नहीं, आपकी पुरुषोत्तमता जो है वो गुरु रूपता को वहन नहीं कर रही है। कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासु राधरात, आपकी पुरुषोत्तमता गुरु रूपता को वहन नहीं कर रही है, तो आप यार जैसे यहाँ विराजे जैसे सैया घर भले तैसे भले विदेश, ऐसे भूतल को अलंकृत करो कि नित्य लीला को अलंकृत करो, सब एक सारी बात है, कोई फर्क नहीं पड़े। भूतल को अलंकृत कर रहे हो तो आप पुरुषोत्तम भी हो, तो आपको अपनी गुरु रूपता निभानी पड़ेगी। हमारे साथ गुरु रूपता निभाओ और फिर उनको ये समझाओ
यार ऐसे क्यों मोनोपोलाइज करो पुरुषोत्तम को, हरिगुरु वैष्णव तीनों एक सार करके जानो, हम आपको पुरुषोत्तम मान ले यार, आप भी तो हमको मानो ना पुरुषोत्तम, कि खाली पुरुषोत्तम की मोनोपोली लेके बैठे हो। वैष्णव कहाँ पुरुषोत्तम नहीं है, हर वैष्णव पुरुषोत्तम है। अपना तो सिद्धांत है, हर वैष्णव में विष्णु छुपे भयो है और हर विष्णु में वैष्णव छुपे भयो है करके तो अपन सब वैष्णव है। यदि विष्णु अपने में नहीं छुपे हो तो अपन वैष्णव कैसे होते, और महाराज क्या वैष्णव नहीं है? तो क्या है, शैव है, शाक्त है, ईसाई है, मुसलमान है कौन महाराज? महाराज भी वैष्णव है। तो महाराज में भी वैष्णव छुपे भयो है, तुम्हारे में भी वैष्णव छुपे भयो है, तुम भी महाराज हो, तुम भी वैष्णव हो, महाराज भी वैष्णव है। जो भी वैष्णव है वहां में विष्णु विराजमान है, और जो भी विष्णु है वहां में वैष्णव विराजमान है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवत, ये शुद्धाद्वैत को एक समझो कि साइकिल है आनंद रूपता को और आनंद जनकता को। वह साइकिल को अननेसेसरी डिस्टर्ब करनो अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण, और वो क्षुद्र स्वार्थ के कारण जा वक्त अपन डिस्टर्ब करें वह वक्त फिर अपने को ये कठिन हो जाए पंक्ति कि महाप्रभु जी कैसे आनंद रूप हैं और कैसे आनंद जनक हैं। ये बात ध्यान समझो। इन सारी मैंने ये रिपीटेडली ये बात आपको या लिए समझाई कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक बात समझो कि इतनी बड़ी बात नहीं है तो इतनी छोटी भी बात नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये हरेक को ये रहस्य शुद्धाद्वैत को समझना पड़ेगा, तब अपन अपने आचार्य चरण को सच्चो एप्रिशिएशन कर पाएंगे, नहीं तो अपन अपने आचार्य चरण को एप्रिशिएशन नहीं कर पाएंगे। या लिए आचार्य चरण जो हैं वो आनंद रूप भी हैं और आनंद जनक भी हैं, और वो आनंद रूप हैं और आनंद जनक हैं। वह बात को समझाने के लिए द्वारकेश जी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आनंद रूप जो है वो स्कंधार्थ रूप है। क्यों? ये मैंने कल आपको विस्तार से समझाया कि आनंद रूप है, आखिर स्कंध में आनंद रूपता है, क्योंकि कृष्ण के अलावा कृष्ण के चरित्र को, कृष्ण की लीला को, कृष्ण के गुणन को अवलंबन देने वाले और भी बहुत सारे चरित्र वहां मौजूद हैं करके वहां कृष्ण को आनंद छायो भयो है। एग्जैक्ट वही फैशन में, जा फैशन में चारों ओर ब्रह्म छायो भयो है, वह फैशन में। और जा वक्त कृष्ण प्रकट होने वालों है वह वक्त जो है वो आनंद जनकता आ रही है, और वो आनंद जनकता कहां से आई, वह को सबसे पहलो सिद्धांत द्वारकेश जी समझा रहे हैं कि परीक्षित ने जो ऐसो भगवान को पूछो, सुखदेव जी को पूछो कि कृष्ण लीला कुछ कहो, कृष्ण लीला कहो। वाको सुखदेव जी ने ये जो अभिनंदन दियो कि सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव, तो ये सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव जो कहो या के कारण आनंद सुखदेव जी को, सुखदेव जी में आनंद प्रकट भयो परीक्षित के प्रश्न सु, वो आनंद जनकता आई। ये आनंद जनकता परीक्षित में के प्रश्न के कारण आनंद जनक भय सुखदेव जी को लगे कि नहीं, अब इतनी लीला सुनने के बाद, क्योंकि एक बात ध्यान से समझो कि नवम स्कंध तक की जो लीलाएं बताई गई हैं उन नवम स्कंध की लीला तक भागवत में भक्ति को विस्तार आ गया। जब भक्ति सुन ली, भक्ति समझ ली, और वाके बाद यदि कृष्ण के प्रति जिज्ञासा नहीं जागी, कृष्ण लीला को जानने की उत्कंठा नहीं जागी, तो कुछ न कुछ भक्ति को समझने में लफड़ा है। क्यों? कि एक बात और, चाहे जितने भी मार्ग हैं, पूजा के मार्ग और जो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, उनमें बहुत सारे अन्य रूप भी देव देवन के जो हैं वो काम आ सके हैं, पर भक्ति के लायक यदि कोई भगवत स्वरूप है तो एक बात निश्चित समझो कि कृष्ण को है, कृष्ण को है और कृष्ण को ही है। दूसरे रूप आदर के लिए, पूजा के लिए, शरणागति के लिए और देवन के और अवतारन के बहुत सारे रूप हो सके हैं, या मैं अपने को जरा भी मतभेद नहीं है, पर भक्ति की जो भावना की जो वो है, वो भाव भक्त के भाव को अनुसरण करने की जो, या को अंग्रेजी में अपन कहें प्लास्टिसिटी के, वह तरह सी फ्लेक्सीबिलिटी, यद्य धिया तो उरुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय, यदि तू यशोदा है तो मैं बालक बनने तैयार हूँ,
यदि तू सखा है तो मैं तेरे दोस्त बनने तैयार हूं, यदि तू गुरु है तो मैं तेरे शिष्य बनने तैयार हूं, यदि तू चेला है तो मैं तेरे गुरु बनने तैयार हूं, तू यदि बड़ो भाई है तो मैं छोटे भाई होके रोने तैयार हूं कि मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो।